Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, how are you? Well, na? Friends, agar aap English sikhna chahte hain, aapki English bahut zyada kamzor hai, तो आप आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास को और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है इंग्लिश में, आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप बिल्कुल शुरू से हमारे चैनल पर आइए। मैंने अभी तक 250 वीडियो डाल दिया है अभी तक, तो आप शुरू से जाइए, आप शुरू से वीडियो देखिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने प्लेलिस्ट बनाकर रखा हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री ऐसा करके बनाया मैंने। आप जाइए प्लेलिस्ट पे और प्लेलिस्ट वाइज आप देखते जाइए, आपको इंग्लिश ज़रूर आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, एवर, एवर का नाम आपने सुना होगा, EVER, एवर। एवर का मतलब सिर्फ अगर एवर बोले तो एवर का मतलब कभी होता है, लेकिन हम एवर को हम किसी दूसरे वर्ड्स के साथ जोड़ दें, जैसे WH, जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं, विच, वेन, व्हाट, हु, हुम, वेयर, उनके साथ अगर हम एवर का इस्तेमाल, एवर को जोड़ देते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आज उसी तरह के वर्ड्स के बारे में सेंटेंसेस बनाते हुए समझेंगे कि किस तरह से जब क्वेश्चन वर्ड्स, जितने भी WH वर्ड्स हैं, और या उसको हम क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड्स के अंत में जब एवर आता है तब उसका अर्थ क्या होता है और उससे सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो वर्ड्स है वो है वॉट एवर। वॉट एवर के बारे में आपने बहुत सुना होगा, वॉट एवर, वॉट एवर मतलब जो भी। वॉट एवर का इस्तेमाल हम कई तरीके से करते हैं। वॉट एवर का इस्तेमाल जो भी, जो कुछ भी, या किसी बात पे ज़्यादा जोर देने के लिए भी हम वॉट एवर का इस्तेमाल करते हैं, या वॉट सो एवर का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं हम सेंटेंसेस के द्वारा कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल सेंटेंसेस में करते हैं। वॉट एवर, वॉट एवर का मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी, जो हम किसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी बात के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस है डू वॉट एवर यू कैन, तुम जो कुछ भी कर सकते हो करो। दूसरा सेंटेंस है वॉट एवर आई हैव गॉट इज नॉट माइन इन रियल सेंस, जो कुछ भी मेरे पास है वो सही अर्थों में मेरा नहीं है। तीसरा सेंटेंस है वॉट एवर विल बी, जो कुछ होगा सो होगा। फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस जो इसमें भी वॉट एवर का इस्तेमाल हुआ है, बट इसमें किसी बात पर हम जोर देने के लिए वॉट एवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वॉट एवर आर यू डूइंग अंडर द टेबल, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो। दूसरा सेंटेंस है वॉट इज दैट बटन ऑन द टीवी फॉर, टीवी पर वो बटन किस लिए है भला। अभी है वॉट सो ओवर, किसी भी नकारात्मक सेंटेंस में किसी बात पर, किसी मेन पॉइंट पर हम जोर देने के लिए भी वॉट सो एवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। फ्रेंड्स, हम अक्सर नकारात्मक सेंटेंसेस में किसी बात पर जोर देने के लिए या जोर देकर बोलने के लिए भी वॉट एवर या वॉट सो एवर का इस्तेमाल करते हैं। तो देयर इज नो एविडेंस वॉट एवर या वॉट सो एवर टू प्रूव हिज गिल्ट, इसमें वॉट एवर या वॉट सो एवर दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर इज नो एविडेंस वॉट एवर या वॉट सो एवर टू प्रूव हिज गिल्ट, उसका अपराध सिद्ध करने के लिए कोई सबूत नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट वॉट एवर या वॉट सो एवर इन पॉलिटिक्स, मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है। विच एवर, विच एवर का मतलब भी होता है जो भी या जो कुछ भी, लेकिन विच एवर का इस्तेमाल हम किसी सजीव चीज के लिए नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम निर्जीव चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो भी बात है, तो विच एवर मीन्स विच एवर हम किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी बात के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं कि विच एवर का इस्तेमाल किस तरह के सेंटेंसेस में करते हैं। विच एवर, विच एवर का मतलब होता है जो भी
या जो कुछ भी जो हम चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहला सेंटेंस है, देयर आर टू ऑप्शंस, चूज विच एवर यू थिंक इज इजी। दो विकल्प हैं आपके पास, तुम्हें जो आसान लगता है चुनो। दूसरा सेंटेंस है, विच एवर वे यू डू इट, इट इज डेफिनेटली नॉट इजी। किसी भी तरीके से आप यह करें, आसान तो निश्चित ही नहीं है। हम बोलते हैं ना कि आप कैसे भी करें, किसी भी तरीके से करें, ये बिल्कुल आसान नहीं है। अभी है हु एवर का इस्तेमाल हम सिर्फ पर्सन के लिए करेंगे, किसी भी गाइस के लिए करेंगे, किसी भी व्यक्ति के लिए करेंगे हु एवर का इस्तेमाल। इसका आप इस्तेमाल किसी चीज के लिए मत करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम सेंटेंसेस को समझते हैं कि हु एवर का मतलब, एक्चुअली हु एवर का मतलब होता क्या है, जो भी, और व्हाट एवर का मतलब भी होता है जो भी या जो कुछ भी। लेकिन दोनों का अर्थ सेम होने के बावजूद भी हम हु एवर का इस्तेमाल किसी सजीव चीज़ यानी पर्सन के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, और व्हाट एवर विच एवर ये सब का इस्तेमाल हम किसी चीज़ों के लिए करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हु एवर का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस के द्वारा कैसे करते हैं वो सीखते हैं। हु एवर का इस्तेमाल हम किसी पर्सन के लिए ही करते हैं, इसमें हम निर्जीव चीज़ों के लिए हु एवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहला सेंटेंस है, हु एवर हैज़ डन दिस शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। जिसने भी यह किया है उसे खुद पर शर्म आनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, आई डोंट फियर हिम हु एवर मे बी, वो चाहे जो भी हो मैं उससे नहीं डरता। तीसरा सेंटेंस है, हु एवर टोल्ड यू गेटिंग रिच इज इजी, तुमसे किसने कहा कि धनी होना आसान है। हुमेवर में भी हम किसी पर्सन या व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब हुमेवर यानी जिसको भी, जो भी यहाँ पर नहीं होगा कि जिसको भी होगा, यहाँ पर हुमेवर का मतलब कि जिसको भी, जिसे भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुमेवर से बनने वाले सेंटेंसेस को देखते हैं। हुमेवर का मतलब होता है जिससे भी या जिसको भी। तो इसका पहला सेंटेंस है, यू कैन गिव इट टू हुम एवर यू विश, आप इसे उसे दे सकते हैं जिसे भी आप चाहते हैं, या आप जिसे भी देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। आई कैन टॉक टू हुम एवर आई वॉन्ट, मैं जिससे भी चाहूँ बात कर सकता हूँ। अभी व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, जब कभी भी या जब भी, मतलब इसमें समय से संबंधित होता है ये कि जब भी या जब कभी भी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं। व्हेनेवर का मतलब होता है जब भी, ये समय निश्चित करता है, सेंटेंस में समय को अंकित करता है, समय बताता है कि कब किस समय। तो पहला सेंटेंस है, व्हेनेवर पॉसिबल आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ, जब भी पॉसिबल होता है यानी संभव होता है मैं अपने कपड़े खुद धो लेता हूँ। दूसरा सेंटेंस है, आई गो टू माई मदर व्हेन एवर आई गेट टाइम, जब भी मुझे समय मिलता है मैं अपनी माँ के पास जाता हूँ। अभी हुएर एवर का मतलब होता है जहां भी, जहां कहीं भी, मतलब हुएर एवर। तो हुएर एवर का इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में किस तरह से करते हैं चलिए देखते हैं। हुएर एवर का मतलब होता है जहां भी, जहां कहीं भी। तो फर्स्ट सेंटेंस है, वेयर एवर यू गो, वेयर एवर यू लुक, यू विल सी द साइन ऑफ गॉड। आप कहीं भी जाएं, कहीं भी देखें, आपको परमेश्वर के निशान दिखाई देंगे। दूसरा सेंटेंस है, आई हर्ड दे आर फ्रॉम नारागुआ, मैंने सुना है कि वे नारागुआ से हैं। वेयर एवर दैट इज, आपसे कोई पूछता है कि ये नारागुआ कहाँ है भला, तो आप कहते हैं कि पता नहीं कहाँ है। तो पता नहीं कहाँ है के लिए हम बोलते हैं वेयर एवर दैट इज। अभी है हाउ एवर, आपने सुना होगा हाउ एवर, लेकिन हाउ एवर का मतलब हर सेंटेंसेस में अर्थ उसका बदल जाता है। हाउ एवर का मतलब कभी कितना भी हो जाता है, कि तुम कितना भी मेहनत करो, और किसी भी हो जाता है, मतलब किसी भी, और फिर भी हो जाता है, फिर भी, किसी भी, कितना भी, मतलब सेंटेंसेस के हिसाब से इसका अर्थ चेंज होता जाता है।
तो हम हाउ एवर से बनने वाले सेंटेंसेस कुछ देखते हैं कि किस तरह से हाउ एवर का इस्तेमाल करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। हाउ एवर का मतलब होता है कितना भी, कैसे भी या फिर भी। तो हम सेंटेंस के द्वारा समझते हैं। पहला सेंटेंस है, हाउ एवर फास्ट वी वर्क वी कांट फिनिश दिस जॉब ऑन टाइम। हम कितना भी तेजी से काम करें, हम यह काम समय पर समाप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, हाउ एवर यू लिव डोंट फॉरगेट योर क्रिएटर। आप किसी भी स्थिति में रहें या कैसे भी रहें, अपने निर्माता को ना भूलें। तीसरा सेंटेंस है, हाउ एवर फास्ट यू रन यू कांट विन। आप कितना भी तेज दौड़े, आप नहीं जीत सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे वैसे वर्ड्स जो एवर से समाप्त होते हैं, मीन्स जब हम किसी भी डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स में एवर लगाते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, फिर उस वर्ड से हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वो था आपने आज सीखा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप आगे से इस्तेमाल भी करना शुरू कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा भी फायदा होता हो हमारे क्लास से, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और एक कमेंट भी छोड़ दिया कीजिए। फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है, इससे क्या हमारा हौसला बढ़ता है और मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो मुझे लगेगा कि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, किसी को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर मुझे हताशा होगी और फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, मुझे पता है इंग्लिश के बहुत सारे चैनल हैं, आप कहीं ना कहीं देखोगे, बट मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा सरलता से, बिल्कुल आसान तरीके से मैं इंग्लिश सिखाऊँ लोगों को और उनको अच्छी तरह से समझ में आए और सीखे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी कोशिश है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप देखते हैं हमारा वीडियो, अगर आपको फ़ायदा होता है तो ही आप लाइक करना और कमेंट करना। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।